जर्मनी की पपुजा ऐतिहासिक म्यूजियम में रखी शराब को 1650 साल पुरानी शराब की बोतल को अब तक की सबसे पुराना शराब माना जाता है। खास बात यह है कि इस बोतल का ढक्कन अब भी बंद है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह शराब करीब 3000 साल पुरानी होगी। शराब की यह बोतल एक रोम के एक कुलीन व्यक्ति के साथ 350 ईस्वी में दफनाई गई थी और इसे साल 1867 में खोजा गया था। इस शराब की बोतल को ढंग कर गरम वैक्स, मोम और ऑलिव ऑयल लगाकर मजबूती से बंद किया गया है कि अब तक खोला नहीं जा सकता है। इसी वजह से इस प्राचीनतम शराब को लेकर अभी तक रहस्य बरकरार है। कई सालों तक इस बात पर बहस चलती रही है कि इस शराब की बोतल को खोलकर विश्लेषण किया जाए या नहीं। विशेषज्ञ इसे खोले जाने पर एकमत नहीं थे। फिलहाल यह शराब म्यूजियम में सुरक्षित रखी है। शराब की ये दुर्लभ बोतल पुरानी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताती है, जब शराब का निर्माण किया जाता था और उसकी खपत होती थी। प्राचीन यूनानी सभ्यता में शराब की खपत बहुत होती थी। यदि कोई शराब नहीं पीता था तो उसे बर्बर समझा जाता था। एक केमिस्ट ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्पेयर बोतल का विश्लेषण किया था, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर इस बोतल को जर्मनी के म्यूजियम में रख दिया गया। फिलहाल वैज्ञानिकों को आशा है कि उन्हें इस बोतल के विश्लेषण का मौका मिलेगा। हालांकि कोई कह नहीं सकता कि उनकी ये उम्मीद पूरी होगी या नहीं।